हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज पढ़ रहे थे, तो आज का ये हम लोग का लास्ट जो एमसीक्यू का चैप्टर है, जो कि है चैप्टर नंबर 9, इसकी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अंत तक आप लोग देखिएगा, अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और जो भी अभी तक 1 से लेकर 8 चैप्टर को नहीं देखें तो चैनल पर जाके देख लीजिए। ठीक है, तो इसको अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग वन शॉट में आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम इन, ये जो यहाँ पे कंपाउंड आपका दिया गया है, इसके लिए आप इसमें जो भी आपका सेकेंडरी कार्बन एटम है उसको आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कितना यहाँ पर प्रजेंट है। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर इस कंपाउंड को अगर हम लोग ओपन करके बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कार्बन है वो एक कार्बन से अगर जुड़ा है तो इसको हम लोग 1 डिग्री कहेंगे, और वही यदि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, मान लीजिए इधर से और इधर से, तो इसको हम लोग 2 डिग्री कहेंगे। और यदि एक और कार्बन इसमें आके अगर कहीं से ऐड होता है, तीनों तरफ से अगर दिखाया जाए, तो इसको हम लोग, ये जो बीच वाला है, इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री, मतलब टर्सियरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी, फर्स्ट हमारा जो प्राइमरी होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, और 3 डिग्री हमारा क्या होता है, टर्सियरी होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेकेंडरी कौन कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया। तो प्राइमरी हम लोगों का एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये चीज़ तो नहीं होगा। सेकेंडरी यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी प्राइमरी है, थर्ड। तो सेकेंडरी यहाँ पे देख लीजिए, एक है और एक ये दो, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी हम लोगों का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों का यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इस तरीके से। इसमें क्या पूछा गया, स्ट्रक्चर पूछा गया 2-मिथाइल पेंटेन का। यहाँ पर 2-मिथाइल पेंटेन जो है उसका आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा होगा, ये चीज़ यहाँ पर पूछा गया, वही चीज़ हिंदी में भी है। तो यहाँ पे अगर 2-मिथाइल पेंटेन, पेंटेन ही है हम लोगों का बिल्कुल, तो पेंटेन, यहाँ पे 2-मिथाइल पेंटेन का अगर हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें देख सकते हैं 2-मिथाइल पेंटेन, ये हम लोग का नाम, नाम से मतलब स्ट्रक्चर बनाने वाला आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके में हम लोग का क्या होता है, जो भी हम लोग का वर्ड रूट है उसके, उसका हेल्प हम लोग लेंगे, उसकी हेल्प से ही हम लोग जो है स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का वो पेंट है कुछ इस तरीके से, 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का संख्या 5 है, मतलब कुछ इस तरीके से 5 कार्बन वाला चेन बनेगा, दूसरे पोजीशन में इसमें मिथाइल रहना चाहिए। तो अगर आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे में आपका मिथाइल और ये 5 कार्बन का चेन है, जिस कारण से हम लोग का 2-मिथाइल पेंटेन इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जिस कारण से हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, CH3, और CH पर यहाँ पे 5 कार्बन का देखें और CH पे हम लोगों का CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3, CH पे यहाँ पे CH3, फिर इधर CH2, CH2 और CH3, मतलब यहाँ पे जो A नंबर वाला है यही हम लोगों का हो जाएगा राइट आंसर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो नाम से स्ट्रक्चर पता करना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपका जो वर्ड रूट है, जितना भी कार्बन का चेन है, उसको यहीं से आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ANE हमारा सिंगल बॉन्ड के लिए रहता है, अगर ENE रहता है तो हम लोगों को डबल बॉन्ड हो जाता है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C7H16 इज, जो C7H16 है उसके लिए हम लोगों को कितना यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर उसका पॉसिबल होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर C7H16 का अगर जब आप आइसोमर बनाइएगा, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना दिया है जितना भी इसका होगा, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इसका जो है आइसोमर आपका बनेगा, जिसमें से आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और यहाँ पर अगर देखें 8, 9, मतलब लगभग यहाँ पे जो है, लगभग क्या, पूरे तरीके से यहाँ पे 9 आइसोमर आपका बनेगा। और कुछ इस तरीके से सभी का यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं नाम भी लिखा गया, तो इन सभी को एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे अगर आइसोमर का इसका बात किया जाए तो 9 आइसोमर है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें यहाँ पे अल्कीन है, इसके इसमें आपका जो है H2 का एडिशन यहाँ पे किया जा रहा है निकेल के प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया, ये आपका अल्कीन कुछ इस तरीके से हिंदी में यही चीज़ दिया है। तो आपको पता है कि अल्कीन पर जब हम लोग एडिशन करते हैं
ठीक है, एच टू का जब एडिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है वो आपका टूट जाता है सिंगल बॉन्ड में, और दो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से इसमें आके लग जाता है, जिस कारण से अगर ये दो हाइड्रोजन अगर एक यहाँ लगेगा तो ये पूरा का पूरा हमारा अल्केन के रूप में बनेगा, और तीन कार्बन का चेन वाला अल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, तो जिस कारण से यहाँ पर हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़, इसका जो है अच्छे तरीके से बनाया गया, ये आपका कुछ इस तरीके से प्रोपीन है आपका, ठीक है, प्रोप वन इन भी इसको नाम दे सकते हैं, उससे हम लोगों को प्रोपेन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोप वन इन से हम लोगों को अगर प्रोपेन बनाना है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे कन्वर्जन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो एच टू का यहाँ पे एडिशन हम लोग करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन इसको कहा जाता है, निकेल के प्रेजेंस में वहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल्काइल हैलाइड आपका इसमें H2 का एडिशन किया गया है जिंक और HCl के प्रेजेंस में, तब X यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से, जब आपका जो हेलो एल्केन आपका है जो CH3Cl है, इसको जब H2 के साथ मतलब H2 के साथ रिएक्शन करते हैं जिंक और H+ के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे हम लोगों को मीथेन कुछ इस तरीके से मिलता है, मतलब जितना कार्बन का चेन इधर है उसका एल्केन हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक कार्बन का आपका है, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे CH4 मिलता है, अगर यहाँ पे CH3CH2Cl वाला रहता तो आपका कुछ इस तरीके से इथेन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिथाइल क्लोराइड वाला है तो कुछ इस तरीके से आपका जो है CH4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मतलब CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेन बोलते हैं, तो बी नंबर यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, ऊर्ज रिएक्शन पूछा है, ऊर्ज रिएक्शन आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ऊर्ज रिएक्शन किसका प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, अल्केन अल्कीन हेलो अल्केन या फिर नन, वही चीज़ है कि ऊर्ज अभिक्रिया का उपयोग किसके विरचन के, ठीक है, यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है, ये चीज़ पूछा गया एक तरीके से। तो आपको जैसा कि पता है ऊर्ज रिएक्शन हमारा क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन से हम लोग जो है हाइयर अल्केन का निर्माण करते हैं, जो भी हमारा हेलो अल्केन्स होता है इसमें आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल यहाँ पे हेलो अल्केन कर लेते हैं, इसमें सोडियम का प्रेजेंस होता है ड्राई ईथर के, मतलब सोडियम के साथ होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब हम लोग को जो है हाइयर अल्केन कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है, इस तरीके से एक कार्बन था तो यहाँ पे दो कार्बन का चेन कुछ इस तरीके से बन जाता है, और यहाँ पे दो सोडियम हैलाइड कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है कि वही चीज़ पूछा है कि ऊर्ज रिएक्शन में किसका यूज करें, तो बन क्या रहा है हम लोग का, अल्केन बन रहा है, तो जिस कारण से यहाँ पे इसका आंसर की बात करें तो अल्केन कुछ इस तरीके से ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही चीज़ है, ऊर्ज रिएक्शन को ही यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिया है, यहाँ पे आपका हेलो अल्केन जो अल्काइल हैलाइड उसको लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, वाई यहाँ पे क्या बनेगा ये चीज़ पूछा गया। तो यदि अगर इसका हम लोग देखें तो इसका कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं, तो इसका अगर देखें तो हम लोग का हो जाएगा CH3, इसको इस वे में लिखिएगा तभी आपका जो है ये सही होगा, मतलब आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। अब बीच में देख लीजिए दो सोडियम यहाँ पर ले लीजिएगा और इसी को यहाँ पे कुछ इस तरीके से Cl और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 दो मॉलिक्यूल लेना होता है, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ इस तरीके से दो सोडियम क्लोराइड निकाल देना है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो जिस कारण से यहाँ पे एक CH3 यहाँ एक CH3 यहाँ CH और CH के बीच बॉन्ड बनेगा और इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो अगर देखें अगर इस टाइप का तो कहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये हम लोग को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ये में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे तरीके से बनाया, बस थोड़ा सा ये जो स्टार्टिंग के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसको थोड़ा आप जिस तरीके से मैंने अभी ड्रॉ किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से उसी वे में आप लिखिएगा और यहाँ से इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये कंपाउंड बना, तो ये कहाँ है CH3, मतलब ये हम लोग को फर्स्ट नंबर में ही देखने को मिल रहा है, जिस कारण से ही हम लोग को बस आप वहाँ पर एडिशन अगर कराना सीख गए तो अच्छे तरीके से आप इसका प्रोडक्ट जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया है कि सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोजिलिक एसिड नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम लोगों का यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है प्रोपेन का, तो उसमें सोडियम साल्ट कार्बोजिलिक एसिड का कौन सा यूज होगा वो चीज़ यहाँ पे
पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ा है कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं एल्केन का प्रिपरेशन ये चीज़ होता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो है इवन नंबर ऑफ एल्केन का जो है प्रिपरेशन होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में जब सोडियम एसीटेट का हम लोग यूज करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हम लोग का ये स्टेप्स है ये सभी के लिए लागू इस तरीके से होते हैं। तो हम लोग को इथेन मिलता है, जब यहाँ पे एसीटेट का यूज किए तब यहाँ पे हम लोग को इथेन जाके मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्योंकि हम लोग का जो प्रोपेन यहाँ पे पूछा गया, तो इसका अगर एन बराबर देखें कार्बन का, तो ये तीन होता है, मतलब ये तो यहाँ पे ऑड है। लेकिन हम लोग जब इसको पढ़े हैं, आप अच्छे तरीके से बुक में भी देखिएगा, तो इसमें हम लोगों को वहाँ पे लिखा गया कि कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम लोग का जो है अल्केन बनता है, लेकिन वो इवन नंबर का अल्केन बनता है, ठीक है। जैसे कि मीथेन तो यहाँ से इससे बनेगा नहीं, तो प्रोपेन या कुछ इस तरीके से ये ऑड नंबर है, जिस कारण से ही हम लोग को यहाँ पे ये इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप लगाइएगा, ए या फिर बी या फिर सी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो हम लोगों ने इससे देखा, इससे हम लोगों का कौन सा बन रहा था, हम लोग का इथेन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोपेन पूछा, ये तो हम लोगों का मीथेन तो बनेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से अगर इसका आंसर की बात करें, क्योंकि ऑड पूछा है, तो यहाँ पे इसका नन ऑफ दिज यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये स्टेप्स होते हैं। अगर यहाँ पे इथेन पूछता तो हम लोग का इस तरीके से सोडियम एसीटेट आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोपेन पूछा, तो इनमें से यहाँ पे कोई भी आपका नहीं मिल रहा है, जिस कारण से हम लोग को इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर भी वही कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से ही यहाँ पे पूछा गया है। इसमें ये आपका जो है कंपाउंड दिया गया, इसमें आपका जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया। तो जब इसका यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से ये वाला, तो हम लोगों को क्या होता है कि इस कंपाउंड में जाके इसी का जो है सेम जो है आके जुड़ जाता है। तो जिस कारण से यहाँ पे देखिए इधर और यहाँ पे इधर, ये दोनों आके जुड़ गए और ये पूरा का पूरा साइड प्रोडक्ट हम लोग का हो गया। तो इस टाइप का आपका कहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपका है वो यहाँ पे देख सकते हैं, बी नंबर वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। इस कारण से बी नंबर इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम लोगों का कौन सा जो है अल्केन बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर वाला बनता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग का इवन देखने को मिल रहा, मतलब ब्यूटेन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा आंसर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दिए हैं, देख सकते हैं कि फ्रॉम कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस इवन नंबर ऑफ अल्केन इज फॉर्म्ड, इसलिए यहाँ पे ब्यूटेन जो है आंसर हो जाएगा। अब तो यहाँ पे सीधा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ये जो है आपके बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फॉलोज। जो हेलोजिनेशन हम लोग का होता है, एच एक्स का एडिशन हम लोग का होता है, वो कुछ इस तरीके से क्या होता है। तो इसका जो आप लोग जानते होंगे, इसका जो होता है वो आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से इसका हो जाता है। जब भी हम लोग का यहाँ पे हेलोजिनेशन अगर करते हैं अल्किन का, तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन के टाइप में हम लोग का चला जाता है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। इसमें CH4 को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन किया गया है, जिसमें MO2O3 यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया गया, तो X यहाँ पे क्या बनेगा, ये चीज़ इनमें से पूछा है, वही चीज़ हिंदी में भी है। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देख लीजिए, अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया आप लोगों के लिए। CH4 को जब O2 के साथ रिएक्शन करते हैं MO2O3 के प्रेजेंस में, ठीक है, मोलिब्डेनम इसको बोल सकते हैं, ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे हम लोग को फॉर्म एल्डिहाइड कुछ इस तरीके से इसका निर्माण जो है देखने को मिल जाता है। तो जिस कारण से आपका NCERT का रिएक्शन है बहुत ही पॉपुलर, तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे ये कंपाउंड दिया, इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया गया है, तो वाई यहाँ पे क्या प्रोडक्ट इनमें से बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, वही चीज़ हिंदी में भी है। तो ये हो जाता है एक तरीके का, जब यहाँ पे जो अल्केन होता है ये नॉर्मल अल्केन के रूप में चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्बन और एक चार, एक यहाँ पे लगभग सिक्स कार्बन का चेन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। CH3 और CH2 का वहाँ पे चार बढ़ रहा है कुछ इस तरीके से। अगर बात करें तो यहाँ पे ये चल रहा है हम लोग का CH2, यहाँ पे ये भी CH2 और लास्ट आपका चल रहा है CH3, इस टाइप का ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कुछ इस तरीके से जब इसका हम लोग यूज करते हैं,
तो यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन को कंप्लीट किया गया है। इसका एक नाम होता है जो कि होता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। जब भी यहाँ पे एल्केन हो उसको जब हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को एरोमेटाइजेशन रिएक्शन जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसका पूरा का पूरा कंडीशन याद रखिएगा, V2O5 है, इसमें 773 केल्विन टेम्परेचर लिया जाता है और 10 से 20 ATM प्रेशर का यहाँ पे यूज होता है कुछ इस तरीके से। तब हम लोग को यहाँ पे जो भी यहाँ पे नॉर्मल एल्केन है उसको यहाँ पे एरोमेटाइज कर दिया जाता है, मतलब रिंग फॉर्म यहाँ पे हो जाता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 6 कार्बन का चेन था, जिस कारण से यहाँ पे हम लोगों को कौन सा मिल गया, बेंजीन देखने को मिल गया। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बेंजीन इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एल्केन। इनमें से यहाँ पे एल्केन के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट आप लोगों को सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, सोल्यूबल है वाटर में, इनसोल्यूबल है वाटर में, या फिर सोल्यूबल है अल्कोहल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। वही चीज़ हिंदी में भी पूछा गया है कि एल्केन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो जिस कारण से अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ पढ़े हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया कि एल्केन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड एसिड्स, बेसेस, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस कारण से यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी गया कि इनसोल्यूबल होता है वाटर, मतलब अगर एल्केन का बात किया जाए तो इन सभी चीज़ों में अगर यहाँ जो भी दिखाया गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो सभी में क्या होता है यहाँ पे इनर्ट होता है, मतलब उसमें घुलनशील नहीं होते। तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे जो वर्ड हम लोग का यहाँ पे है कि इनसोल्यूबल, क्योंकि अगर यहाँ पे बात किया वाटर में सोल्यूबल तो ये तो होगा नहीं, सोल्यूबल इन एल्कोहल तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये जो होता है वो इनर्ट होते हैं, जो भी एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनमें। तो जिस कारण से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन इज नोन एज। जो थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग का होता है एल्केन का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन है पायरोलिसिस, क्रैकिंग, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका डेफिनेशन ही होता है, जो हमारा पायरोलिसिस और क्रैकिंग होता है उसी का ये डेफिनेशन होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम लोग एल्केन का करते हैं तो उसी को हम लोग पायरोलिसिस और क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी वही चीज़ लिखा गया है कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है एल्केन का उसी को हम लोग कहते हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग। तो जिस कारण से यहाँ पे आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बोथ हो जाएगा, मतलब दोनों यहाँ पे जो होता है वो इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ एल्केन आर, जो पहला चार मेंबर होता है एल्केन का वो क्या होता है, इनमें से लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, या फिर गैस होता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इसको यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि C1 से C4 जब हम लोग का कार्बन चलता है तो उसको गैसेस होते हैं। जो फर्स्ट हम लोग का फोर जो कार्बन चेन होता है या फिर कार्बन होता है, चेन तो यहाँ पे बेसिकली नहीं बोलेंगे, C1 से लेकर C4 तक, तो वो हमारा होता है गैसेस, और 5 से 17 तक वो हमारा लिक्विड होता है, 18 से अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो हमारा सॉलिड होता है। तो फर्स्ट फोर यहाँ पे पूछा है, तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा सी नंबर आंसर, क्योंकि ये गैस अवस्था में पाया जाता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और भी यदि अगर कुछ भी आपको पूछा जाए, जो कि यहाँ से आपका है 5 to 17 अगर पूछा जाए तो लिक्विड आपका हो जाएगा, 18 से मोर अगर पूछे तो आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन हैज़, ठीक है, इथेन का यहाँ पे जो स्टेगर्ड फॉर्म है वो कैसा होता है। तो आपको जैसा कि पता है कि दो तरीके का फॉर्म होता है, एक होता है स्टेगर्ड और एक होता है हम लोग का इक्लिप्स्ड। ठीक है, इक्लिप्स्ड। तो इसमें यहाँ पे ट्रांजिशनल स्ट्रेन के बारे में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया, तो आपने इस चीज़ों को यहाँ पे लिखा भी गया, देख सकते हैं ये आपके, आपने पढ़ा होगा कि द स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन हैज़ लीस्ट ट्रांजिशनल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। मतलब अगर स्टेगर्ड फॉर्म का बात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इथेन का हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस में चीज़ है इथेन, तो इथेन का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके जो यहाँ पे स्टेगर्ड फॉर्म होता है वो लीस्ट ट्रांजिशनल स्ट्रेन कंटेन करता है देन इक्लिप्स। मतलब इक्लिप्स में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिस कारण से हम लोग का स्टेगर्ड पूछा है, तो स्टेगर्ड के लिए हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा लीस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। यहीं पे अगर इसका इक्लिप्स फॉर्म पूछे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में ये चीज़ चला जाता है। तो जिस कारण से हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया कि अल्काइन ऑन पार्शियल रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन को हम लोग चारकोल के रूप में यहाँ पे बोलते हैं, तो वो क्या देता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस देख सकते हैं, दिया गया है अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, या फिर ऑल ऑफ दिज। तो जब भी हम लोग अल्काइन का जो पार्शियल रिडक्शन करते हैं इसके प्रेजेंस में, जो आपका हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और चारकोल के प्रेजेंस में, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दो यहाँ पे रूल इसका आ जाता है। जब यहाँ पे पैलेडियम के साथ और चारकोल के प्रेजेंस में कुछ इस तरीके से H2 का एडिशन अल्काइन में करते हैं, तो ये जो H2 पैलेडियम चारकोल है इसको हम लोग लिंडलास कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम होता है लिंडलास कैटलिस्ट, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से अल्काइन का जो होता है वो सिस अल्कीन में यहाँ पे बेसिकली चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका यहाँ पे और भी है, जैसे कि अल्काइन उसको जब सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ करते हैं H2 का एडिशन, तब ये ट्रांस अल्कीन हम लोग को बता मतलब यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा है, अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो हम लोग को क्या बन रहा है, अल्कीन। यहाँ पे वैसा कुछ लिखा नहीं गया था कि सीस और ट्रांस, तो सिंपल से हम लोग अल्कीन को यहाँ पे आंसर कर देते हैं, तो जिस कारण से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी का यहाँ पे देख लीजिए, वही पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में कि पार्शियली डीएक्टिवेट पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज। ठीक है, जब पार्शियली डीएक्टिवेट हम लोग करते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल का, तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो अभी मैंने बता ही दिया लिंडलास कैटलिस्ट के नाम से। ये सारा का सारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट जो कि हमारा होता है H2+PD चारकोल, आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को कहा जाता है लिंडलास का उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अल्कीन ऑन रिडक्शन, तो यहाँ पे बेसिकली अल्कीन नहीं होगा, यहाँ पे अल्काइन हो जाएगा, क्योंकि इसी का भी हम लोग ऊपर देखे थे कि अल्काइन का जब रिडक्शन करते हैं सोडियम और अमोनिया के साथ, तो हम लोग को कौन सा अल्कीन मिलता है, ट्रांस अल्कीन। ये चीज़ मैंने ऊपर अभी यहाँ पे दिखाई दिया, तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सिस अल्कीन हमारा कब बनता है, जब यहाँ पे PD चारकोल के साथ यहाँ पे H2 का जो है एडिशन करते हैं, मतलब लिंडलास कैटलिस्ट में करते हैं, तब सिस अल्कीन बनता है। लेकिन जब सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ करते हैं तो हम लोग को विपक्ष अल्कीन मतलब ट्रांस अल्कीन यहाँ पे बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए वही सारा चीज़ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड है, इसका जब अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा। तो दो तरीके का पूछता है, एक आपका यहाँ पे अल्कोहलिक है, एक आपका कुछ इस तरीके से एक्वस केओएच दिया रहता है। तो जब भी हमारा एक्वस केओएच रहता है तब वहाँ से हम लोग को अल्कोहल देखने को मिलता है, और जब अल्कोहलिक केओएच रहता है तब हम लोग को अल्कीन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिस कारण से अगर इसका यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया अच्छे तरीके से, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको 2 मान लीजिए यहाँ पे, तो जब अल्कोहलिक केओएच के साथ करते हैं तो यहाँ से HCl आपका बाहर आ जाता है और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो है प्रोपीन यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2-क्लोरोप्रोपेन था, इससे हम लोगों को प्रोपीन बन रहा है। यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहीं आएगा, तो 1-2-3 कार्बन का चेन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे प्रोपीन हो जाएगा। तो जिस कारण से हम लोग आंसर यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, प्रोपीन, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें यहाँ पे अल्कोहल दिया है सब्स्टिट्यूटेड कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, इसमें मिथाइल का भी है, इसको जब ट्रीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब हम लोग को इनमें से क्या बनता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर बनाए तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी ये जो हाइड्रोजन है OH के इधर वाला, यहाँ एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो इस तरीके से H2O यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तब हम लोग को ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम अगर अब हम लोग लिखें, क्योंकि यहाँ तो हम लोग को नाम दिया, स्ट्रक्चर तो दिया नहीं है, तो जिस कारण से अगर इसका करेंगे नंबरिंग, तो डबल बॉन्ड की तरफ से हम लोग जानते हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 4 में हमारा मिथाइल है, तो 4 मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, और सेकेंड पोजीशन में अल्कीन है, तो 2-ईन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 4-मिथाइल-पेंट-2-ईन जहाँ पे हम लोगों का होगा वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए 4-मिथाइल-2-पेंटीन भी बोलें या फिर पेंट-2-ईन बोलें, वही है, तो ए नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, कुछ इस तरीके से ये हम लोग का अल्कीन है, इसमें हेलोजिनेशन कुछ इस तरीके से किया जा रहा है, Br2 का एडिशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से,
ये तो हम लोगों का सिमेट्रिकल अल्किन ही है, चार कार्बन का है। तो जब इसके में Br2 का एडिशन करेंगे कुछ इस तरीके से, Br और Br, तो एक Br यहाँ पे लग जाएगा और एक Br जाके यहाँ पे लग जाएगा। तो जिस कारण से अगर दोनों में लगेगा तो हम लोग का क्या बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीके से इसमें हम लोग बना दिए। तो दोनों में अगर ब्रोमीन लग गया तो नंबरिंग अगर करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 1 में ब्रोमो, 2 में ब्रोमो, तो 1, 2, 2 ब्रोमो इसलिए डाई, तो डाई ब्रोमो, और 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन, तो 1, 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट एंड। सो 1, 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग का हो जाएगा। तो सभी रिएक्शन से इसको अच्छे तरीके से जैसे जैसे कराया जा रहा है उस तरीके से आप समझते जाइएगा एडिशन कैसे किया जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे हेलोजिनेशन यहाँ पे कराया गया है, HHX का यहाँ पे एडिशन है अल्किन पर। तो अल्किन पर जब HX का हम लोग एडिशन करते हैं तो आपका नॉर्मल अगर सिमेट्रिकल है, सेम कार्बन पर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 3 कार्बन थे तो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, और अगर सिमेट्रिकल अल्किन अगर रहेगा तब तो वो डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है अनसिमेट्रिकल, तो जिस कारण से अब हम लोग को मार्कोनी कोव रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका यहाँ पे जो है रूल लगाया जाएगा। तो किस तरीके से है वो यहाँ पे देख लीजिए, जब भी हम लोग के पास अनसिमेट्रिकल अल्किन आता है तो मार्कोनी कोव रूल लगाते हैं, और मार्कोनी कोव रूल आप सीधे तरीके से याद रख लीजिए कि जो नेगेटिव पार्ट होता है कोई भी आपका, जैसे कि HX है तो HX में नेगेटिव पार्ट कौन सा, X माइनस, और H प्लस हम लोग का है वो हमारा पॉजिटिव है, कुछ इस तरीके से। तो इसका जब हम लोग करेंगे, और ये हमेशा अनसिमेट्रिकल के लिए लगेगा, अगर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही सिर्फ रहता तो वही चीज़ है, अगर इस तरीके से सिमेट्रिकल हम लोग का रहता तो ये नेगेटिव पार्ट कहीं भी जाता, यहाँ भी चला जाता दोनों तरफ, क्योंकि सेम है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे अलग है, जिस कारण से ही हम लोग को दिक्कत हो जा रहा है कि कहाँ पे लगाया जाएगा, तो उसी के लिए हम लोग को यहाँ पे मार्कोनी कोव रूल लाया गया था, जिस कारण से यहाँ पे क्या था कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाता है जहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन का संख्या कम होता है, और पॉजिटिव पार्ट जहाँ जाएगा वहाँ पे जाएगा, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन देख लीजिए जहाँ संख्या ज़्यादा है, मतलब अल्किन के पार्ट में देखना है, इस पार्ट में देखना है, ऐसा नहीं कि इधर ध्यान देना है, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो कुछ इस तरीके से जब वैसा जाएगा तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2-क्लोरोप्रोपेन, कैसे, 1, 2, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा अगर CH2, ये हम लोग का CH3 ही बन गया, तो 1, 2, 3, 2 में क्लोरो लग गया तो 2-क्लोरो-प्रोपेन इस तरीके से। या फिर मार्कोनी कोव रूल को लगाते हुए चलना है, बस सीधा सिंपल याद रखना कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि 2-क्लोरो-प्रोपेन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जस्ट इसी का उल्टा यहाँ पे पूछा गया है, देख लीजिए कि एडिशन ऑफ HBr इन अल्किन, इसमें क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, जहाँ भी परोक्साइड आपको दिखे और वहाँ पे एडिशन अगर HX, ये भी तो HX ही है, लेकिन ये जनरल आपका जो होता है HBr के लिए ही काम करता है, इसको हम लोग एंटी मार्कोनी कोव रूल कहते हैं। जहाँ भी परोक्साइड दिखे अल्किन का एडिशन हम लोग को HBr के प्रेजेंस में बोले तब हम लोग को उसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी कोव रूल करते हैं, और इसी का जो नाम होता है वो खरास इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एंटी मार्कोनी कोव रूल को क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो जस्ट मार्कोनी कोव का उल्टा होता है उसी को एंटी मार्कोनी कोव रूल कहते हैं। वहाँ पर नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन जहाँ कम था वहाँ जा रहा था, तो इसमें जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर जाएगा, तो इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, परोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, या फिर एंटी मार्कोनी कोव रूल तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे खरास इफेक्ट ही देखने को मिल रहा है, बाकी मार्कोनी कोव तो हम लोग ऊपर देखें ये तो होगा नहीं, परोक्साइड जहाँ यूज हुआ मतलब वो एंटी मार्कोनी कोव है, सीधा सिंपल, खरास इफेक्ट ये हो जाएगा। सेजेप रूल तो एक अलग चीज़ है, उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन पे जो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इस टाइप से कुछ बोला जाता है, जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अल्किन है, इस पे H2O का एडिशन कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, एसिड कैटलाइज्ड इसको रिएक्शन कहते हैं, इस तरीके से ऑप्शन ए हम लोग का क्या बनेगा ये चीज़ पूछा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ भी हम लोग का जो होता है वो मार्कोनी कोव रूल के हिसाब से ही चलता है। तो कुछ इस तरीके से अल्किन है, इसमें H2O का एडिशन, तो H2O हमारा तोड़ेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, H+OH-, मतलब नेगेटिव पार्ट इसमें OH है और H+ इसमें ये हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग का जब एसिड कैटलाइज रिएक्शन है तो उसमें इसका H2O का एडिशन जब अल्किन पे करवाते हैं तो वहाँ पे मार्कोनी कोव रूल ही काम करता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो हम लोग का कहाँ चला जाएगा,
कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम मतलब उसमें ना के बराबर है, तो हम लोग को OH देख लीजिए यहाँ पे चला गया और H चला गया इसमें, इसमें ज़्यादा है, इस तरीके से एल्किन पर ही एडिशन करा रहे हैं। तो जब इस तरीके से कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2-methyl propane 2-ol देख लीजिए यहाँ पे आपका जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और इसमें जो H प्लस होता है उसमें फ्यू ड्रॉप्स होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 का, तभी वहीं से H2SO4 से ही हम लोग का H प्लस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-methyl propane 2-ol, इसका नाम आप लोग देख सकते हैं। अगर काउंटिंग करेंगे तो कहाँ से चलेगा, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा इस तरीके से, इसमें हो जाएगा 2 में मिथाइल है, 2 में ol भी है, तो जिसका आंसर 2-methyl propane 2-ol इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बोला है कि अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4, कुछ इस तरीके से। अल्कीन का जब रिडक्शन हम लोग करेंगे कोल्ड डाइल्यूट और एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम पर मैग्नेट पे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, वही है हिंदी में, अल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पन्न करता है, ये चीज़ पूछा गया। तो इस तरीके से रिएक्शन का यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। इसमें देख लीजिए अल्कीन है, इसमें H2O का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑक्सीडेशन इसका कराया जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन यही पता करेगा कि ऑक्सीडेशन का यहाँ पे काम हो रहा है। तो इसको डाइल्यूट KMnO4, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रिएजेंट का नाम है इस तरीके से, भले क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया गया है डायरेक्टली, इसको आप अच्छे से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल है आपका वो कुछ इस तरीके से आपका होता है, डाइल्यूट KMnO4 है 273 केल्विन के टेम्परेचर में, तब जाके हम लोग को यहाँ पे ethane 1,2-diol जिसको हम लोग भीषणल ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे H2O और प्लस O H2 के हम लोग को कह सकते हैं उसको, और दोनों जगह पे यहाँ पे OH जो हिला के ऐड कर देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर, जो कि है भीषणल ग्लाइकोल। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ओजोनोलिसिस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसे आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कहता है ओजोनोलिसिस जब होगा तो 2-butene से हम लोगों को कौन कौन सा प्रोडक्ट इनमें से मिलेगा, ये चीज़ पूछा गया। तो ओजोनोलिसिस का ये स्टेप आप बस अच्छे तरीके से याद रखिएगा, अल्किन के लिए ये होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें O3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो अल्किन ओजोनाइड करके यहाँ पे जो है एक सबसे पहले इंटरमीडिएट आपको तैयार कर देता है, जिसमें इस तरीके से होता है कि ये जो यहाँ पे अल्किन होता है उस पर यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाता है ऑक्सीजन का, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो रिंग फॉर्म किया गया, मतलब इतना पार्ट यहाँ पे सेम रहेगा जो कि यहाँ से यहाँ इतना है, और जहाँ अल्किन है उसको जस्ट इस तरीके से यहाँ पे कर दिया जाता है ऐसे करके ऐसे, और इसमें यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है और ये जो है, ये देखिए दोनों यहाँ पे इधर और इधर सेम है, और जहाँ पे अल्किन वाला टर्म है उसमें कुछ इस तरीके का यहाँ पे बन जाता है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है जब इसको, इसमें दो स्टेप है, पहले O3 हो सकता है, आपको डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया जा सकता है कि O3 और यहाँ पे ZN+H2O, तब समझ जाना है कि O3 और ZN+H2O जहाँ हो रहा है इधर अल्किन है तो उसका ओजोनोलिसिस यहाँ पे हो रहा है, उसमें सबसे पहले O3 का यहाँ पे करके ओजोनाइड ये जो बना है ये चीज़ बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ZN+H2O का जब रिएक्शन करेंगे तब इसमें क्या होता है कि इधर से ये और इधर से ये इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, CH3CHO, इस तरीके से इसका यहाँ पे बनेगा। ओ यहाँ पे जो है जिंक के साथ ZNO करके बाहर हो जाएगा, तो जिस कारण से यहाँ पे 2 molecules आपका एसिटल्डिहाइड का बन रहा है, तो जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एल्डिहाइड बेसिकली एसिटल्डिहाइड के 2 molecules। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला है, बस यहाँ पे ओजोनोलिसिस कुछ इस तरीके से किया गया है इथीन का। ठीक है, अभी वहाँ पे कौन सा देख रहे थे, अभी यहाँ पे 2-butene या फिर but-2-in का देख रहे थे, अब यहाँ पे जो है इथीन का ही किया जा रहा है। इथीन हम लोग का कैसे होता है, CH2 double bond CH2, तो सबसे पहले इसमें हम लोग रिएक्शन करेंगे O3 का, तो हम लोग का क्या बनेगा, CH2 रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन और यहाँ से यहाँ, फिर इसको इसको जब हम लोग काटेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए बना दिए हम अच्छे तरीके से, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसमें ये प्रोसीजर बता दें इस तरीके से, वो फिर जिंक H2O के साथ करेंगे तो 2 molecule यहाँ पे HCHO का कुछ इस तरीके से आपका
बन जाएगा। तो HCHO को हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनल कहते हैं या फिर फॉर्मल डिहाइड कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, मिथेनल, और मिथेनल वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ मिथेनल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें भी वही ओजोनोलिसिस का रिएक्शन है। अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिक्सचर ऑफ इट ए चीज। अब यहाँ पे क्या था कि इधर हम लोग अल्कीन से यहाँ पे मिक्सर बनाते हैं। अब ये आपको मिक्सचर दे दिया गया, उससे आपको अल्कीन पूछ लिया गया कि कौन सा अल्कीन बनेगा जब इथेनॉल और 3-pentanone रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरीके से कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। जब आपको अगर अल्कीन दिया और इसका ओजोनोलिसिस करें तो ये स्टेप कुछ इस तरीके से फॉलो होगा। लेकिन जब यदि ये आपको दे दिया जाए, ये जो घेर रहे हैं, ये चीज़ अगर दे दिया जाए इसका मिक्सचर, तो दोनों को क्या कीजिएगा, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने ऐड किया है उसी तरीके से ऐड कीजिएगा, आपका जो है प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, एक हम लोग का इथेनॉल है, तो इथेनॉल को जब बनाइएगा CH3CHO, तो इसमें क्या करना है कि जिधर से ऑक्सीजन वाला टर्म है दोनों का, उधर से ही उसको रखना है, ला के इसको बस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इथेनॉल है एक तरफ 3-pentanone है, तो 3-pentanone का ऑक्सीजन की तरफ से ऐसे करके लिख दिए। स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे बनाना है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को वहाँ पे उसको जोड़ना है। इधर से इथेनॉल हमारा है, तो यहाँ से इसको जब ऐड करेंगे तब जो भी यहाँ पे बनेगा इसके बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। तो इधर ए वाला पूरा पार्ट था और इधर ए वाला जो पार्ट था, इसके बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड सीधा सिंपल बना देना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा 3-ethyl-2-pentene। ठीक है, 3-methyl, मतलब अब इसको काउंटिंग करना है 1, 2, 3 इस तरीके से, या फिर इधर से हम लोग को नज़दीक किधर से जा रहा है, नज़दीक हम लोग को इधर से जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का चेन ये वाला बन रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, 3 में हम लोग का इथाइल, तो 3-ethyl और 5 कार्बन का चेन, तो पेंट 2-ene या फिर 2-pentene। तो 3-ethyl-2-pentene जहाँ पर हम लोग का होगा वही हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग का फर्स्ट नंबर कुछ इस तरीके से आंसर होगा, मतलब सीधा सिंपल है, जो भी आपका मिक्सचर दिया रहे उसका यहाँ पे ऑक्सीजन वाला टर्म, क्योंकि ये तो रहेगा आखिर, यही कीटोनिक वाला टर्म कुछ इस तरीके से बनेगा लास्ट में, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है, यहाँ पे जो भी आपका चेन चल रहा है तो बस इसको मिक्स कर देना है, इधर आपका जो रहेगा ये तो रहेगा, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वो सीधा वाला उस तरीके से O3ZnO से करके, और अगर ये उल्टा है इसका मिक्सचर से, इस तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछा है 31 में, इसमें पूछा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड एसिड हाइड्रेशन विल यील्ड द सेम प्रोडक्ट इन केस ऑफ, किस केस में जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से या फिर एसिड हाइड्रेशन से। तो इन सभी से ही हम लोग को जो है OH का एडिशन वहाँ पे बेसिकली होता है, OH का अल्कोहलिक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो किस में यहाँ पे होगा ये चीज़ इन्होंने पूछा है, वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण और एसिड हाइड्रेशन के मामले में एक ही उत्पाद प्राप्त होगा, किन में होगा, किस में होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो यहाँ पे जो होता है वो सिमेट्रिकल अल्कीन जिसमें होगा उसी में ही देखने को मिलेगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन हम लोग को अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग का इनमें से कौन सा है, इथीन ही यहाँ पे है सिमेट्रिकल अल्कीन। बाकी आप देखिएगा तो सभी में कार्बन का चेन जो है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे कैसा है, ऑड वाला है। तो ऑड वाला में तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, वहाँ पे हम लोगों को कोई ना कोई रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे एडिशन हो। लेकिन जो सिमेट्रिकल होता है, जैसे कि इथेन मैंने पहले ही बताया, सिमेट्रिकल में दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम है, तो कहीं पर भी ऑक्सीजन OH जाके अगर ऐड हो जाता है, क्योंकि दोनों हम लोग का देता है OH, तो कहीं पर भी लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ इनमें से कौन सा जो है यहाँ पे कंपाउंड जो है रिएक्ट करेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। इथिन करेगा, इथाइन करेगा, 2-butane करेगा, कौन सा करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको पेज नंबर 394 में भी पढ़िएगा NCERT का, इसमें कुछ बात लिखा गया है। तो इसमें इथाइन जो आपका होता है वही जो है यहाँ पे सोडियम के साथ कुछ इस तरीके से आपका क्या करता है, रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ। तो इथाइन बेसिकली कुछ इस तरीके से, एथिन तो यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे एथिन नहीं होना चाहिए, एथाइन होना चाहिए, ठीक है, एथाइन इस तरीके से होना चाहिए, एथाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसी में जो है आपका सोडियम मेटल आके रिएक्ट करता है। चलिए यहाँ पे 33 यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है, कि द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इज, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के प्रति जो है
क्या करेगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्शन वहाँ पे शो करेगा। वह यौगिक जो इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रिया के सबसे अधिक क्रियाशील है, ये चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए एक बात लिखा गया है कुछ इस तरीके से, कहता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितना भी तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अगर वो बेंजीन रिंग से अगर अटैच है तो वो इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी बेंजीन के प्रति, कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में। इसलिए टॉलविन यहाँ पे जो है वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जो है कंटेन करके रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे टॉलविन का कुछ इस तरीके से, बेंजीन पे हमारा होता है CH3, तो CH3 हम लोग का कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब ये यहाँ पे बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है, जिस कारण से ही ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति ज़्यादा जो है क्या होता है, रिएक्टिव देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से बी नंबर में, इसमें यहाँ पे क्लोरीन है तो ये क्या करता है, इधर से खींच लेता है बेंजीन, तो ये तो पूरा का पूरा आपका रहेगा, इसमें तो किसी तरीके का नहीं। अब बेंजल डिहाइड का बात किया जाए तो इसमें जो है CHO यहाँ पे ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि ये अपने जो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के जैसा काम करता है, तो जिस कारण से ही यहाँ पर हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, टॉल्यून हो जाएगा। यही हम लोग का जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के प्रति, क्योंकि इसमें जो है CH3 ग्रुप ऐड है, जो कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसा काम करता है। और हम लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब वो क्या करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसा काम करता है, मतलब जब भी वह बेंजीन रिंग पर लगेगा तो उसमें उसका रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के प्रति एक्टिवेट करके क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में ये आपका कुछ इस तरीके से, देखिए इसमें अल्कीन है, मतलब अल्काइन है बेसिकली, कैल्शियम के साथ यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो इसको एक रेफरेंस के तौर पे मैंने बताया, जो कि ये अपने कैल्शियम कार्बाइड वाला रिएक्शन पढ़ा होगा, जब इसमें H2O के साथ इसका एडिशन करते हैं तो अल्काइन बनता है और कुछ इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देने का जो तरीका है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट इसको मैंने इसी से रिलेट करके जब देखा तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से अल्काइन इसके साथ कैल्शियम, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है रिवर्स करके दिया गया था। तो इसमें यहाँ पे जो है CaC2, तो C2 अगर इस टर्म को अगर हम लोग C2 मान लें, तो इस तरीके से मैंने इसको रिलेट किया, बाकी ठीक है, तो जिस कारण से इसको रिलेट हम किए हैं इसलिए यहाँ पे मैंने इस रिएक्शन को भी लिख दिया, इसी से रिलेट जब किए तो देखें कि हमारा जो है कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे जो है आधा अधूरा लग रहा है, तो जिस कारण से यहाँ पे जब इसका हम लोग निकालें तो ऑप्शन नंबर ए जो है अगर उससे रिलेट करेंगे तो ए नंबर यहाँ पे इसका जो है आंसर हम लोग का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उसके तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो ये जो है आपका ऑर्डर पूछा गया अल्किन, अल्केन और अल्काइन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ इथीन, इथेन और इथाइन इस एसिडिक बिहेवियर में यहाँ पे पूछा गया। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या होता है एसिडिक बिहेवियर में, जो हम लोग का ये ऑर्डर चलता है वो इथाइन सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल होता है, फिर इथीन, तब जाके इथेन, मतलब सबसे कम इथेन और इथाइन सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से वही वाला आ गया जो ट्रिपल बॉन्ड सबसे यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे जो आपका सिंगल बॉन्ड है तब जाके, मतलब सॉरी डबल बॉन्ड, उसके बाद लास्ट में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड का कुछ इस तरीके से ज़्यादा रहता है, देन डबल बॉन्ड, देन फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो जिस कारण से इथाइन जिसमें सबसे ज़्यादा है, फिर इथीन, फिर इथेन, तो इथाइन किस में सबसे ज़्यादा है, तो हम लोगों का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे यही राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है। यहाँ पे 3 मोल आपके या फिर 3 पार्टिकल आपके दिए हैं यहाँ पे अल्काइन का, जो कि इथाइन है बेसिकली, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 873 केल्विन, तो वाई प्रोडक्ट इनमें से क्या बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। लाल गर्म लोहे की ट्यूब में इसको जब करेंगे रिएक्शन तो 873 केल्विन टेम्परेचर पर, तब क्या बनेगा ये चीज़। तो इसको अच्छे तरीके से आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिएक्शन आपका हो जाता है, जिसमें कुछ इस तरीके से आपका है, इसको 3 टाइम्स यहाँ पे जो है अल्काइन जो आपका इथाइन है इसके साथ कुछ इस तरीके से जब इसको अरेंज करके हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से ए बॉन्ड इधर चला जाता है, यहाँ से ए बॉन्ड इधर और ये इधर चला जाता है, और इसी को रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ 873 केल्विन में, तब यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका मिल के आपका बेंजीन रिंग का निर्माण कर देता है। जिस कारण से आप देख लीजिए यहाँ पे इसी को, बस ये जो आपका लिखा गया इसको इस तरीके से अरेंज कीजिएगा और यहाँ पे बॉन्ड को जो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कीजिएगा इधर इधर, तब जाके हम लोग को बेंजीन यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है। यहाँ पे बेंजीन है, इसको जब CH3COCl के साथ रिएक्शन किया गया AlCl3 के प्रेजेंस में, तब ए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा इनमें से, वही चीज़ पूछा गया है।
तो इसको हम लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। हम लोग जानते हैं एक नाम नेम रिएक्शन से, बेसिकली नाम से इसका जानते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट यहाँ पे एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, बेंजीन कुछ इस तरीके से, इसको एसिटाइल क्लोराइड कहा जाता है। इसके साथ AlCl3 के प्रेजेंस में अनहाइड्रेसिस रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें जब बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, एसिटोफिनोन का निर्माण कुछ इस तरीके से करता है। मतलब बेंजीन के ऊपर COCH3 ला के, ये जो इतना है इसको ला के इस पर ऐड कर देता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से HCl बाहर निकल जाता है। तो ये हम लोग का इसी कारण से, क्योंकि अभी एसिटाइल जो आपका क्लोराइड इसका यूज किया गया, इसलिए इसको एसिटाइलेशन रिएक्शन जो कि फ्रेडल क्राफ्ट्स के द्वारा दिया गया था, तो फ्रेडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड है, एसाइल ग्रुप वहाँ पर ऐड है इसी का। तो यहाँ पे आंसर के सबसे पहले बात करें तो हम लोग को एसिटोफिनोन देखने को मिला। तो एसिटोफिनोन हम लोग को कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है एसिटोफिनोन कुछ इस तरीके से। इसी का अगर यहाँ पे एक और देखें अल्काइलेशन वाला, कि जब यहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जब हम लोग का होता है तब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया। तो इसमें बेंजीन को इसमें CH3 अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, इसमें क्या होता है एसिटाइल है, ठीक है, या फिर एसाइल या एसिटाइल वहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर इसका जो है अल्काइल क्लोराइड के साथ करते हैं अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तब हम लोग को जो है, क्योंकि यहाँ पे CH3 का एडिशन होगा बेंजीन पे, तो इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, टोलुइन। तो अल्काइलेशन यहाँ पे कर, मतलब अल्काइल क्लोराइड का यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करके, तब यहाँ पे इसका नाम जो है अल्काइलेशन। तो दो तरीके का होता है, एक आपका फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन उसका रिएक्शन अगर पूछे तो इस तरीके से रहेगा, और एक होता है आपका फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन उसका पूछे तो यहाँ पे इसमें बनता है एसिटोफिनोन, इसमें बन जाता है टोलुइन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर हम लोग का क्या था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बात करते हैं 38 में। इसमें पूछा गया कि टोलुइन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, जो CH3 आपका इस तरीके से, ये टोलुइन हम लोग का है, ये हम लोग को जब Cl2 के साथ रिएक्शन करता है लाइट के प्रेजेंस में, HNU और लाइट के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे क्या होता है। एक चीज़ तो आपको पता है, जब लाइट के प्रेजेंस में तो हमारा कौन सा रिएक्शन टाइप का होता है, फ्री रेडिकल टाइप का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा है, तो कुछ इस तरीके से जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं टोलुइन को Cl2 HNU के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा होता है बेंजीन रिंग इस तरीके से, इसमें एक अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के इसको लगा दे तो बेंजाइल कहते हैं, और इसमें ही हम लोग को यहाँ पे क्लोरीन लग गया जिस कारण से इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड हम लोग को कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया कि प्रेजेंस ऑफ 4n+2π इलेक्ट्रॉन, ये जो है कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंस रहता है रिंग में, जहाँ पे n 0 1 2 3 इस तरीके से आपका चलता है, तो वो रेफर किसको करता है। यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हैं हुंड्स रूल, हकल रूल, सजेव रूल, नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये जो होता है वो हकल्स रूल होता है। हुंड्स रूल तो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हैं, सजेव रूल भी पढ़ते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं दिखाता। तो हकल्स रूल इसका जो यहाँ पे होता है आंसर, मतलब हकल का नियम यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता है हकल का रूल ही हम लोग को एरोमेटिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या बताया जाता है कि साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक, फिर कंजुगेटेड होना चाहिए, फिर 4n+2π को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और इस तरीके से प्लेनर भी होना चाहिए, ये सारा का सारा यहाँ पे रूल होता है, तब जाके हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एरोमेटिसिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो जो भी प्रीवियस ईयर में जो मॉडल सेट आपके हैं जो कि इंड स्क्रीन में लास्ट में दिखाया जाएगा, तो उसको आप लोग देखिएगा, वहाँ पे एरोमेटिसिटी के बारे में अच्छे तरीके से बताएं, और उसमें वहाँ पे बहुत सारा जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी बताएं, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है कि फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, तभी हम लोग ऊपर देखे थे फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किसके प्रेजेंस में होता है, उसको तो मैंने बता ही दिया था अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जिस कारण से हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, निर्जल। अनहाइड्रस को हम लोग निर्जल कहते हैं, मतलब वहाँ पर जल का मात्रा नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है कि टू बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर, अगर दो बेंजीन रिंग कहीं पर फ्यूज होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉक्सिक कहेंगे, कार्सिनोजेनिक कहेंगे, या फिर बहुत टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वही चीज़ है
कि दो बेंजीन वलय को जब एक साथ जोड़ते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, विषाक्त कहलाते हैं, कैंसर जनी कहलाते हैं या फिर दोनों कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक होगा। तो कार्सिनोजेनिक का मतलब ही होता है कि कैंसर प्रोड्यूसिंग, मतलब जो भी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं वो हम लोगों का कैसा होता है, वो कैंसर को प्रोड्यूस करता है, इस टाइप का कंपाउंड वे होते हैं। तो जिस कारण से जब भी यहाँ पे लिखे कि टू बेंजीन रिंग फ्यूज करता है एक दूसरे के साथ, तो वो दोनों टॉक्सिक भी बनाता है और कैंसरकारी, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक या फिर टॉक्सिक। तो वैसे भी अगर कैंसर प्रोड्यूस करे तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक ही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्योर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, इनमें से किस मेथड के द्वारा प्योर मीथेन का जो है यहाँ पे निर्माण होता है। शुद्ध मीथेन किसके द्वारा तैयार किया जा सकता है, सोडा लाइम डीकार्बोनाइलेशन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ऊर्जा रिएक्शन, इनमें किसके द्वारा ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ बात लिखा गया है, अच्छे तरीके से समझिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके से सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन का अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एसिटिक एसिड को जब सोडियम NaOH और CaO, इसी को सोडा लाइम कहा जाता है, इसके साथ जब रिएक्शन करके हीट करेंगे तो यहाँ पे CH4 और CO2 मिलता है। ये तो इससे है, ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोनाइलेशन से। तो इसमें CH4 देख लीजिए निकल गया और CO2 कुछ इस तरीके से आपका बाहर हो जाता है। कहीं ना कहीं CH4 जो इसमें बन रहा है वो कहीं ना कहीं प्योर देखने को मिलेगा। वहीं पे और भी बात करें कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऊर्ज रिएक्शन फॉर्म हायर नंबर ऑफ कार्बन चेन देन मिथेन। तो कोलबेज से तो हम लोग जानते हैं कि कोलबेज से हम लोग का मिथेन तो बनेगा नहीं, ऊर्ज रिएक्शन से भी हम लोग का मिथेन बनेगा नहीं, वो हायर कार्बन के देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिथेन हमको पूछा, तो मिथेन एक हम लोग का यहीं से बन रहा है सोडा लाइम डीकार्बोनाइलेशन से। तो जिस कारण से ही हम लोग का यही जो है आंसर देखने को मिले, क्योंकि इन सभी से तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। और इसका अगर बात किया जाए तो सभी का यहाँ पे बता दिए हैं, ऊर्जा रिएक्शन पीछे भी देखे थे, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे दिखाया गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, सोडा लाइम डीकार्बोनाइलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कुछ इस तरीके से। यही हम लोगों को प्योर मीथेन देगा, क्योंकि इन सभी के जो भी और भी है उससे यहाँ पे हायर एल्केन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 43 में क्या पूछा गया है कि 1-ब्यूटीन या फिर इसी को ब्यूट 1-इन के नाम से जानते हैं। तो ये कन्वर्ट होगा ब्यूटेन में, वो किसका यूज करेंगे तब यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ पूछा गया। वही बोला कि ब्यूटीन को किस अभिक्रिया द्वारा ब्यूटेन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सीधा सिंपल है, यहाँ पे इस रिएक्शन को आप लोग याद रखिए। इसमें क्या होता है कि 1-ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1-इन को जब पैलेडियम और H2 के साथ कुछ इस तरीके से रिएक्शन करते हैं तब हम लोग को ब्यूटेन यहाँ पे मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो PdH2 हम लोग का जहाँ पर है वो हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग बॉन्ड इज मोस्ट रिएक्टिव। वही चीज़ है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड, वही अभी हमने ऊपर देखे ही थे, तो इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए सीधा सिंपल, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में वही चीज़ बताए थे कि वो हमारा अल्काइन हो जाता है, इसमें sp जो होता है कुछ इस तरीके से, ट्रिपल बॉन्ड हमारा sp होता है, क्योंकि देख लीजिए तीन बॉन्ड है, जब भी ये बनेगा तो sp का बनाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, इसका जो परसेंट s कैरेक्टर होता है 50% होता है, इसका 33% और इसका 25%। तो जिस कारण से जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है वही हम लोग का ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, मतलब रिएक्टिव हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन इसका कैसा है ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, एंड नॉट डबल बॉन्ड इट कैन बी टेस्टेड बाय, तो और वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो किसके द्वारा वहाँ पे टेस्ट किया जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं लुकास रिएजेंट ये हम लोग का नहीं होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल सकते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट तो हम लोग का होता नहीं, वो एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है, लुकास रिएजेंट हम लोग का अल्कोहल के लिए होता है, बेयर रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर में हो सकता है। लेकिन जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है वो हम लोग को सेचुरेशन और अनसेचुरेशन में डीकलराइजेशन का वहाँ पर टेस्ट देता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है ये चीज़ हम लोग को बेयर रिएजेंट बताता है। जिस कारण से हम लोग का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, बेयर रिएजेंट या फिर बेयर अभिकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग का हम लोग सल्फोनेशन करते हैं ठीक है, उसमें तो चीज़ पूछा कि कौन सा स्पीसीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो इसका अगर रिएक्शन का पूरा का पूरी बात अगर हम लोग करें तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है जो हम लोग का बेंजीन है इसमें इसको SO3 के साथ रिएक्शन जब करते हैं तब जाके ये इंटरमीडिएट सबसे पहले बनता है, उसके बाद यहाँ पे जाके बेंजीन में SO3H हो जाता है। तो बेंजीन का सल्फोनेशन इस तरीके से होता है, इसमें SO3H का एडिशन हो जाता है। तो इसमें हम लोग यूज किसका कर रहे थे, SO3 के साथ उसका रिएक्शन कर रहे थे, तो वही चीज़ पूछा है। तो जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है। चलिए 47 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन 47 में क्या पूछा गया कि द एंगल स्ट्रेंथ साइक्लोब्यूटेन में पूछा है। तो साइक्लोब्यूटेन इसका सीधा सिंपल आप याद रख लीजिएगा, मेमोरी बेस्ट ये भी है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 9° 44' जो है यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन का इसका एंगल स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 48 में क्या पूछा गया कि LPG मेनली कंटेंस, जो LPG हम लोग का होता है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम लोग बोलते हैं ठीक है, LPG सिलेंडर वगैरह में हम लोग यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, ब्यूटेन मीथेन इथेन इथेन, तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका। तो जब भी आपका LPG का बात किया तो इसमें ब्यूटेन जो है आपका प्रेजेंट होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द लोवेस्ट अल्कीन, जो सबसे लोवेस्ट अल्कीन होता है दैट इज़ कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कौन सा लोवेस्ट अल्कीन होता है जो कैपेबल होता है एग्जिस्ट करने के लिए, ऑप्शन आपके दिए गए इनमें से आपको बताना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया कि वो सबसे छोटा अल्कीन जो ज्यामितीय समयता प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है वो इनमें से कौन सा है। तो ब्यूटोटूइन जो हम लोग का होता है वही हम लोग को यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, और ज्योमेट्रिकल किस टाइप का होता है, इसमें सीस भी बनता है और ट्रांस भी बनता है, तो इसी का जो होता है वो सीस और ट्रांस कुछ इस तरीके से बन सकता है। एक बार सीस क्या होता है कि दोनों जब यहाँ पे सेम साइड, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड और इसमें CH3 और CH3 सेम साइड, तो ये सीस बनाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है, CH3 भी अपोजिट, तो हम लोग का कैसा बन रहा है, ये ट्रांस बन रहा है कुछ इस तरीके से ठीक है। तो ये हम लोग का है, तो जिस कारण से ब्यूटोटूइन जहाँ पर हम लोग का होगा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर B में यहाँ पर ब्यूटोटूइन, तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कुछ इस तरीके से कि एन अल्केन विथ मोलिकुलर मास, एक अल्केन है जिसका मोलिकुलर मास 72 है, यूनिफाइड ऑन क्लोरीनेशन गिव ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो क्लोरो अल्केन ठीक है। जब उसका क्लोरीनेशन हम लोग करवाते हैं तो वहाँ पे जो है एक ही वही चीज़ यहाँ पे है कि ओनली वन जो यहाँ पे आइसोमर बनेगा मोनो क्लोरो अल्केन, तो वो कौन सा अल्केन यहाँ पे होगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2,2-dimethylpropane जिसको हम लोग नियोपेंटेन भी कहते हैं, जब इसका हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लोरीनेशन करेंगे तो यहाँ पे एक ही जो है क्लोरीन जो है ऐड होगा, कहीं पे भी अगर करेंगे तो एक ही, इधर करें जहाँ पर भी करें तो एक ही होगा। तो जिस कारण से जो हम लोग का यहाँ पे नियोपेंटेन है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा, इसी का जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, अल्केन जो है इसका मोनोक्लोरो अल्केन के रूप में बनेगा ठीक है। यही सिर्फ ऐसा है जिसका बनेगा, इसका यहाँ पे दो नाम भी है 2,2-dimethylpropane और नियोपेंटेन, देख लीजिए कुछ है, कहीं भी करेंगे तो एक ही यहाँ पे क्लोरीन आके ऐड होगा, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें क्या बोला गया कि अरेंज द हेलोजन्स F2Cl2Br2 इस तरीके से, I2 भी है, तो ऑर्डर इसका इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन के, अल्केन के जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं कि कुछ इस तरीके से आपका जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपका होता है इंक्रीजिंग में लगाना, मतलब छोटा से कम, तो आयोडीन का सबसे कम और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग में चल रहा है कि सबसे कम आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तो ये हम लोग का ऑर्डर है। तो I2 से चलेगा हम लोग का कुछ इस तरीके से F2 के तरफ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है यही हम लोग का हो जाएगा कुछ इस तरीके से आंसर इसका ठीक है 51 का। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छा ही रहा होगा, ये लास्ट यहाँ पे चैप्टर था, बाकी अब जो यहाँ पे बचा है ठीक है, जो भी जो सीक्वेंस हम लोग का
था, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसको मैंने पूरा कंप्लीट कराने का, जो की पॉइंट से लेकर पूरा जितना एक्सप्लेनेशन है उससे मतलब पूरा कंप्लीट करना था। तो जैसा कि एग्ज़ाम तो आपका एमसीक्यू के टर्म में था तो जिस कारण से उसी हिसाब से किए, लेकिन इसको जो है फिर और भी जो यहाँ पे चीज़ें बच रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ प्ले लिस्ट जो है ये पूरा का पूरा हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ आप लोग के जो जूनियर्स हैं, आपके जो भी भाई बहन हैं, तो उन लोगों को भी जब एग्जामिनेशन रहेगा तो उस टाइम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों का भी हेल्प हो रहा है तो उन लोगों का भी हेल्प होगा। तो ये प्लेलिस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा, उसमें उन लोगों का ये फ़ायदा रहेगा कि उसमें की पॉइंट के साथ भी उन लोगों को सारा चीज़ जो शॉर्ट आंसर टाइप है ये सारा का सारा जो भी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से भी आ जाएंगे, तो इस तरीके से उनको भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा आने वाले फ्यूचर में भी, और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये चीज़ है। और सभी को ऑल द बेस्ट, पहले से ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा मार्क्स गेन कीजिए, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा फीडबैक कमेंट में कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं, देख सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं।